अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। फारसी की पहली की ये हमारा पार्ट नंबर आ रही है 4 है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। मैं काफ़ी कम थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ इसलिए कि अभी शुरुआती किताब है और आप लोग इसको पढ़ नहीं पाएंगे, जल्दी से याद नहीं हो पाएगा, तो आप कहेंगे कि खाली वीडियो बन रहा है हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको कम एकदम दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। अब कम आप खाएंगे तो जल्दी से खा लेंगे, कटे एक प्लेट चाहे दो प्लेट चाहे एक थाली चाहे दो थाली दे दीजिए तो आप खाते रह जाएंगे। इसलिए मैं शुरुआत में थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा। तो आज यहाँ से हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदुम। गंदुम का मतलब होता है गेहूँ। जौ का मतलब होता है, आप जान ही रहे हैं, जौ। जौ का मतलब जौ ही होता है। नान का मतलब होता है रोटी, ठीक है। आश का मतलब होता है हरीरा, हरीरा आश। वैसा का मतलब होता है अंडा। कबाब का मतलब होता है कबाब। गोश्त का माना गोश्त, शीर है ये। शीर का मतलब होता है दूध। बुज, बुज का माना होता है बकरी। गाँव, गाँव का मतलब होता है गाय। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। और मुर्ग का मतलब होता है चिड़िया, मुर्ग मतलब चिड़िया। आहू, आहू का मतलब होता है हिरन। सग मतलब कुत्ता होता है। और गुरबा का मतलब बिल्ली होता है। नाने गंदुम, गेहूँ की रोटी। आशे जौ, जौ का दलिया या जौ का हरीरा कह सकते हैं। बैजे मुर्ग, मुर्गी का अंडा। मुर्ग मतलब होता है चिड़िया या मुर्गी, तो चिड़िया का आप कह सकते हैं, मुर्गी भी कह सकते हैं। बैजे मुर्ग, मुर्गी का अंडा या चिड़िया का अंडा, ठीक। गोश्ते बुज, बकरी का गोश्त। बुज का मतलब होता है बकरी, तो बकरी का गोश्त हो जाएगा, बुज यहाँ दिया है। शीरे गाँव, गाय का दूध। कबाबे आहू, हिरन का कबाब, ठीक है। अस्पे अहमद, अहमद का घोड़ा। खरे ईसा, खैर मना होता है गधा, ईसा मना ईसा, ईसा का गधा। सगे मन, मेरा कुत्ता। गुरबे तू, तेरी बिल्ली। मुंह का मतलब होता है बाल, ठीक है। सर का मतलब होता है सर। चश्मक मना होता है आँख। गोश का मतलब होता है कान। बीनी का मतलब होता है नाक। जुबान का मतलब जुबान। दहान का मतलब होता है मुंह। दंदान का मतलब होता है दांत। रूह का मतलब होता है चेहरा। दस्त का मतलब हाथ। पाक मतलब पैर। दिल का मतलब दिल, ठीक है। आप पाक मतलब पैर पांव वगैरह इसको कहते हैं। लब का मतलब होता है लब यानी होंठ, ठीक है। नाखून का मतलब आपको मालूम है नाखून। अब ये देखिए, मोए सर, मुँह माने बाल, सर माने सर, सर का बाल। चश्मे आहू, चश्मे माने आँख, आहू माने हिरनी हिरन, तो ये हो जाएगा हिरन की आँख, हिरन की आँख, ठीक है। जुबाने गाँव, गाय की जुबान, यानी जो गाय है ना, जुबाने गाँव, गाय यानी गाँव, गाँव मतलब गाय, गाय की जुबान। गोशे खर, गोश्त का मतलब होता है कान और खर का मतलब होता है गधा। गधे का कान। बीनी शुमा, तुम्हारी नाक। बीनी का मतलब होता है नाक, शुमा मन तुम्हारी, ठीक है। तो बीनी शुमा, तुम्हारी नाक। दंदाने सग, कुत्ते का दांत। दस्ते खुद, दस्त माने होता है हाथ, खुद माने अपना, अपना हाथ। दहाने खेश, अपना मुंह, ठीक। नाखूने गुरबा, बिल्ली का नाखून। पाए पेसर, लड़के का पैर। रुए मन, मेरा चेहरा। दिले तू, तेरा दिल। लबे अहमद, अहमद का होंठ। आज की वीडियो में बस